सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कनेर का फूल वृत्त में कैसे बनाते हैं एंड उसको कैसे पेंट करते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। तो वीडियो पूरा देखिए एंड सीखने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ मैंने एक प्रकार लिया जिसके माध्यम से मैं एक सर्कल बनाऊँगा, वृत्त बनाऊँगा। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो फाइनली गाइस, हमारा वृत्त बन चुका है। अब मैं बीच से स्टार्ट करूँगा इसको। सबसे पहले मैंने यहाँ पर फूल बनाऊँगा, तो आपको भी कुछ ऐसे बनानी है तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी ट्रिक का यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए इसको बना लेते हैं। यहाँ पे गाइस मैंने 2B पेंसिल का यूज़ किया है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी लाइट पेंसिल का यूज़ कीजिएगा, फॉर एग्जांपल SB वगैरह, SB पेंसिल का यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ मैं डार्क करने के लिए थोड़ा सा ग्रेड की साइज़ बढ़ा दिया हूँ, 2B पेंसिल का यूज़ किया हूँ। तो आप अपने हिसाब से कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। देन में गाइस, मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा नीचे की पार्ट को कैसे बनाना है। तो काफ़ी इजी वे है, आपको काफ़ी आसानी तरीके से मैं सिखाऊंगा। तो गाइस, अगर आपको आर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछनी है, फॉर एग्जांपल पेंटिंग से रिलेटेड या ब्रश वगैरह पेंसिल वगैरह, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो चलिए आगे पार्ट को भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं काफ़ी ईजी बनाने की कोशिश किया हूँ ताकि आपको भी अच्छी तरह से बनाना आ जाए। तो चलिए इसको बनाते हैं। देन गाइस, मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे पेंटिंग करनी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए एंड सीखने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर मैं दोनों साइड से दो दो पत्तियाँ निकालूंगा, तो आपको भी कुछ इसी प्रकार से निकाल लेनी है। तो चलिए इसको अच्छी तरह से बना लेते हैं। तो गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड गाइस, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। तो चलिए आगे के पार्ट को भी बना लेते हैं। इधर से भी मैं दो दो पत्तियाँ निकालूंगा कुछ इस प्रकार से। तो यार, ये काफ़ी आसान तरीका है कनेर का फूल बनाने के लिए एंड आप चाहें तो यहाँ से एक तना निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं, और आप चाहें तो इसमें कुछ कलियाँ वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक कली को ऐड करने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। तो वीडियो पूरा देखिए एंड सीखने की कोशिश कीजिए क्योंकि यहाँ मैं काफ़ी आसान तरीक़ों से बताया हूँ कि कैसे बनाते हैं एंड इसको कैसे पेंट करते हैं। तो वीडियो पूरा देखिए एंड सीखने की कोशिश कीजिए। और हाँ गाइस, अगर आपको आर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछनी है तो आप हमसे पूछ लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। तो जो भी क्वेश्चन हो आपको आर्ट से रिलेटेड, तो आप हमसे पूछ लीजिए, मैं बता दूँगा। तो चलिए बनाते हैं। एंड गाइस, पेंटिंग के लिए मैंने देख सकते हैं यहाँ पे 2 नंबर एंड 6 नंबर, और ये गोल ब्रश में 1 नंबर का है और ये 1 नंबर का चपटे ब्रश में है। ठीक है, मैं इन्हीं ब्रश का यूज़ करने वाला हूँ। मैं इस वीडियो में मैं इन्हीं सभी ब्रशों का यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 नंबर के चपटे वाले ब्रश का यूज़ किया हूँ। तो चलिए इसको पेंट कर लेते हैं। एंड गाइस, आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा येलो पेंट का यूज़ कर सकते हैं अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। तो आपको अगर अच्छी नंबर गेन करना है तो आपको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना ज़रूरी है, इसलिए आप थोड़ा सा अट्रैक्टिव जरूर बनाइएगा इसको। तो चलिए सेकेंड लिप्स को पेंट कर लेते हैं। एंड आप देख सकते हैं ऊपर से मैंने येलो पेंट का यूज़ किया है। तो चलिए पूरा बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो फाइनली गाइस, हमारी पत्तियाँ पेंट हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कैसे तना को पेंट करना है। तो तना को पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे डार्क ग्रीन पेंट का यूज़ किया है,
तो आपके पास भी अगर डार्क ग्रीन पेंट हो तो आप उसका यूज कर सकते हैं, वरना आप इसी लाइट ग्रीन पेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख सकते हैं कि डार्क ग्रीन पेंट का यूज किया हूँ, तो चलिए इसको भी पेंट कर लेते हैं। तो गाइस फूल को पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे येलो पेंट का यूज किया है, तो आप भी कुछ इस प्रकार के पेंट का यूज कीजिएगा। एंड गाइस इसमें के दो प्रकार के फूल होते हैं, एक रेड कनेर होता है, एक येलो कनेर होता है। अगर रेड कनेर का फूल पूछे तो आप इसको रेड कर दीजिएगा, वरना अगर येलो वाला पूछे तो येलो कीजिएगा। ठीक है, काफ़ी बार पूछता है लाल कनेर का फूल बनाने के लिए, तो आप लाल कनेर बना दीजिएगा। एंड अगर आप पूछे येलो कनेर का फूल बनाने के पीला कनेर का, तो आप इसी प्रकार से बना सकते हैं। तो फाइनली गाइस हमारा पेंटिंग हो चुकी है, अब मैं आपको बताऊंगा इसके बैकग्राउंड को कैसे पेंट करना है। तो बैकग्राउंड को पेंट करने के लिए आप यहां देख सकते हैं मैंने वाइट पेंट का यूज़ किया है एंड ब्लू पेंट का यूज़ किया है, दोनों को एक ही में मिक्स करके बनाया है। तो आपको भी कुछ इसी प्रकार के पेंटिंग का यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप येलो पेंट का बैकग्राउंड यूज़ करेंगे तो आपको येलो फूल भी रहेगा, येलो बैकग्राउंड भी रहेगा, तो अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं 6 नंबर ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए इसको पेंट कर लेते हैं अच्छी तरह से, फिर मिलते हैं आपसे। डीप एरियाज को पेंट करने के लिए गाइस मैंने 1 नंबर ब्रश का यूज़ किया है, तो आपको भी इसी प्रकार के ब्रश का यूज़ करनी है। एंड गाइस आउटलाइन करने के लिए मैंने यहाँ ब्लैक पेंट का यूज़ किया है, तो चलिए इसको जल्दी जल्दी थोड़ा आउटलाइन कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो गाइस चलिए इसकी आउटलाइन को भी बना लेते हैं। तो फाइनली गाइस हमारा कनेर का फूल बनकर तैयार चुका है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड गाइस चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।